शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही, नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने ग्लास तोड़ा है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहाँ से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी। क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी, कई दिनों से देख रही हो तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकान ही खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापस क्यों आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम, छोड़। मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है ठीक है, यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु, एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम है ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी। आटा गुन दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ, तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अभी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साली साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूँ? मक्खियाँ? बबलू। हाँ, कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी मार डाला, मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। ए कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूँ आपको? सारी मिठाइयाँ एक एक किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, एक मिनट। ये लो सेठ जी, आपका सामान 100 रुपया देना। ये लो ये लो, ये लीजिए 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई, चलो चलो चलो। देख देख कितने कस्टमर आ रहे। देख
बबलू, उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे, वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। यहाँ पे लाए थारे मिठाई में कुछ नहीं, वो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी थाली में जो जो है, इस पत्तल में भी परोस दो। ये पत्तल किस लिए भैया? रामा आया मालिक, इधर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? आज जो हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, ये रामा की वजह से। नंदिनी हमारी जान है और इसने नंदिनी की जान बचाई। इसका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, इसलिए आज मैं इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा हूं। और जब तक ये इस हवेली में रहेगा, इसी तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाया करेगा। खड़ा क्यों है, बैठ। नहीं भाई राजा, मैं हमेशा अपनी माँ के हाथ से ही रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ से रोटी खा लेना, भोजन हमारे साथ कर लो। वो बात नहीं है जी, माँ नाराज हो जाएगी। माँ से कहना भाई राजा के साथ खाना खा कर आ रहा हूँ, सिर ऊंचा हो जाएगा उसका। चलो बैठो, खाना खा लो, चलो खा लो। अरे ये क्या, कमरा इतना चकाचक दिख रहा है, कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है, आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए, जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई, बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा, मेरे भाइयों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, जिस सम्मान के तुम हकदार थे वही तुमको दिया है। रामा, मालिक बुला रहे। अब तुम इस हवेली के दामाद हो रामा, पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। मालिक आपने बुलाया? ए, चल मेरे सर में तेल लगा दे। जी मालिक। ए रामा। जी मालिक। तेरे गाने के भंडार में मालिश के लिए भी कोई गाना है क्या? है ना मालिक, तो निकाल एक। मेरा सर है तबला नहीं, जरा हल्के हल्के। हाँ छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए ना मुझे, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे, किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन, अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों बैठिए? तो अच्छा बैठता हूं, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे बाप, मेरे बाप। क्यों? उठिए। क्यों? खड़े हो जाइए,
बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये मत कीजिए, बोलिए क्या करना है। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूछने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना। हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए गिरिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। ये आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी मालकिन, छोड़िए मुझे। ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा? ए कौन है बेटू? तू वापिस क्यों आया? फुकनी के फूकने के लिए आया हूँ कमीने कुत्ते। ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तभी से बात कर। गाँव वालों कैसे दुकान? चुप। ठीक है। कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। चुप। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना। हाँ, तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना। हाँ है, उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है, अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने? चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा, समझे? समझ गया, जा जा जा, समझ गया, जा। अब हीरे की अंगूठी मेरी, ये क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दो। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, तो जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे नहीं, दूसरा ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। ए अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे। अंगूठी अंडे, अंगूठी अंडे, अंगूठी का अंडे। अंगूठी का गई रे। अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए। हाँ। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट और अंडे कहीं और से निकलते हैं। Thank you.
रामा। क्या माँ? जल्दी से कपड़े पहन ले। रेशमी कपड़े? क्यों? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं रिश्तेदारों के पास। सीतापुर? वहाँ हमारा कौन रिश्तेदार है? है कोई, जल्दी से कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा। ए बुढ़िया, संभल के रंग लगाना। हाँ? एक भी बाल मेरे को सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। रामा कितने सुंदर लग रहे हो। हाय किसी की नजर न लग जाए, बिल्कुल सिनेमा के हीरो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। जमला चाची, तुम कैसी हो गई? तुम्हारे सफेद बालों को क्या हुआ? ये मैंने बाल काले किए। और देखो रामा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे चाची चाची नहीं पुकारना। फिर? मेरे को दीदी दीदी कह के पुकारना। ए बुढ़िया, क्या तुझको दीदी दीदी बुलाऊं? एक मारूंगा। दीदी क्यों? रामा तुम्हें छोटी बहना कहेगा। ये ठीक रहेगा। बेशरम। चलो चलो। अरे मेरी छोटी बहना, छोटी बहना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में ये अनाड़ी लिखा हुआ है। ए, नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। हाँ? नहीं नहीं, बाप हूँ बाप। बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। मेरी बीवी? वो तो अभी आती ही होगी। तुमने तो कहा था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे, ये कौन है? लड़की के बाप, हम तेरे लिए लड़के देखने आए हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रामा ऐसे नहीं करते, ठीक से बैठो। क्या दुल्हा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जी, शर्मा रहा है। आजकल तो सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भैया रे माँ, ये तो बहरा लगता है। बहरा हुआ तो क्या हुआ, हमें तो लड़के से मतलब है ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, आजकल तो शराब पीने का फैशन है। मैं भी कभी कभी अपनी बीवी को बताए बगैर दो घूंट शराब पी लेता हूँ। आ गए आप, मैं जरा अंदर थी। मैंने कहा तब तक आप जाकर बातचीत कीजिए, की या नहीं? बातचीत तो की, लेकिन हम जो कहते हैं ये सुन नहीं सकते। बेटा? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को बेटा नहीं, सिर्फ एक लौटी बेटी है। माँ ये भी बहरी है। चुप। क्या लड़का लड़की को देखने के लिए उतावला हो रहा है? लड़की अभी आती ही होगी। माँ मुझे यहाँ क्यों लाई, कौन सा पाप किया मैंने? रामा देख लड़की आई है। रामा देख। नहीं, 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 नहीं। एक गाना तो सुनाओ। आज रामा कहाँ है? जी आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता, जाता ही नहीं, इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था, मैंने पकड़ लिया और बांध दिया, अब देखता हूँ कैसे पीता। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा, उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी, मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला, बस मैं तो ऐसा भागा ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही, घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है, पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा।
हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहां बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही, नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने ग्लास तोड़ा है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाओ। तो जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी, क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी, कई दिनों से देख रही हो तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं, मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरे लिए वर ढूंढने गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस सनाड़ी को साथ में मत लेना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू, अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों, पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं, तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इधर आ, ये ले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए मालिक, मैं वहां लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे छोड़ कर ना जाइए मालिक।